पर रीवा से है, लापता महिला का शव मिला है। जमीन के अंदर दफन थी महिला की लाश। पति पर हत्या का आरोप है, लाश को दफनाने की आशंका है। पुलिस ने लाश को कब्र से बाहर निकाला है। ये सोहागी थाना क्षेत्र के त्योथर कस्बे की घटना है। लापता महिला का शव मिला है, जमीन के अंदर मिला है। पति पर हत्या करके लाश को दफनाने की आशंका है। मैं राजीव आपसे जानना ही चाहता हूं कि कैसे ये आशंका उसके पति पर व्यक्त की जा रही है, इसके पीछे का आधार क्या है अभी प्रथम दृष्टया। बिल्कुल, आपको बताऊं कि जो बातें अभी निकल के सामने आई हैं कि जो पूरी घटना है ये 10 तारीख की है, लगभग 10 दिन पहले की पूरी घटना है। और जो माजी परिवार के ये दोनों पति और पत्नी थे, तो यह घर में यह कह के निकले थे कि प्रयागराज जा रहे हैं कुछ काम से, लेकिन उसके बाद जब वापस घर आते हैं तो सिर्फ बालक का कहना है कि पिता घर वापस आए। और उनको बताया गया उनके द्वारा कि मतलब कि उनकी जो वाइफ थी लड़के की माँ, वह प्रयागराज में ही किसी के रिश्तेदार के यहाँ रुक गई हैं। लेकिन उस समय तो स्थिति सामान्य थी, लेकिन जब 2 से 3 दिन गुजर गए और उसकी माँ वापस घर नहीं लौटी, तो बच्चे ने पता लगाने की कोशिश की। तो उसके बाद जैसे ही पिता से जब वो पूछने लगा कि कहाँ है मम्मी का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वह भी जवाब देने से बचते नजर आया और वह भी 2 से 3 दिन बाद घर से फरार हो गया। तब ये शंका और बढ़ी कि इनके पिताजी पिता के साथ में ही माँ गई थी और वापस नहीं आई, तो इन्हीं की वजह इन्हीं ने कुछ किया होगा। तब उसका शक और गहरा हुआ और वह पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन जब पता नहीं लग पाया उसके बाद उसने 3 दिन पूर्व सोहागी थाना में जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस जांच में जुटी। तब जाके यह जो पूरी घटना का खुलासा हुआ और पुलिस को जब जानकारी मिली, तो उसके बाद लगभग 10 फीट नीचे वह जो महिला की लाश थी उसको दफनाया गया था। तो जेसीबी की मदद से उसको खुलवा के और लाश को बाहर निकाला गया है। और पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। जो पति पर शंका जा रही है तो उसके पुत्र ने ही शंका जताई है कि चूंकि उसके साथ वह गई थी और वापस नहीं आई, और उसके जो पिता था तो पिता गलत जानकारी दे रहा था कि रिश्तेदार के यहाँ रुकी है, रिश्तेदारों के यहाँ वह नहीं रुकी थी। तो पूरी जो शंके की जो शंका हो रही है इसकी वजह यही है कि पुलिस और जो उनका पुत्र है, जो मृतक महिला का पुत्र है, वह अपने पिता के ऊपर आरोप लगा रहा है। ओके, यानी ये आधार था। बहुत धन्यवाद आपका राजीव, इस जानकारी के लिए, इस इंफॉर्मेशन के लिए आपका।